राजस्थान एसीबी के डीजी बीएल सोनी एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद सभागार में जनसंवाद कार्यक्रम में आमजन से अपील की कि भ्रष्टाचार की शिकायतें विभाग तक पहुंचाए, जिससे भ्रष्ट लोक सेवकों पर कार्रवाई की जा सके। कार्यक्रम के दौरान कोटा शहर के कई लोग व्यापारी जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। लोगों ने डीजी बीएल सोनी से सीधा सीधा संवाद किया। संवाद के दौरान लोगों ने भ्रष्टाचार से जुड़ी कई सारी शिकायतें बीएल सोनी को बताई। वहीं कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजी बीएल सोनी ने बताया कि जनसंवाद कार्यक्रम का सीधा उद्देश्य है लोगों के बीच एसीबी की पहुंच। सोनी ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से वे लोगों तक सीधा पहुंचना चाहते हैं, ताकि लोग बिना किसी झिझक के भ्रष्टाचार की शिकायतों को उन तक सीधा पहुंचाए। डीजी सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में उन्हें नगर निगम, यूआईटी, एक्साइज, खनन विभाग से जुड़ी कई सारी शिकायतें और परिवाद प्राप्त हुए, जिसकी आगे जांच की जाएगी। पत्रकारों के सवाल पर बात करते हुए सोनी ने बताया कि इस वर्ष 11 महीने में कुल 641 प्रकरण एसीबी मुख्यालय पर दर्ज हुए हैं, जिनमें 500 से ज्यादा लोक सेवक और 150 से ज्यादा दलाल गिरफ्तार किए जा चुके हैं। के लिए भ्रष्टाचार जो एक बड़ी महामारी हो चुका है, उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए आम जन को और यहाँ के गणमान्य नागरिकों को किस तरह से एसीबी से संपर्क करके और अपनी गाड़ी कमाई, अपनी मेहनत की कमाई को भ्रष्ट लोक सेवकों में नहीं लुटाने के लिए और आगे आकर के उस भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ाने के लिए हमने आज निवेदन किया। क्या प्रक्रिया होगी, हमने हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन 1064 और 94135-0-28-34 के बारे में बताया कि आप इन पर हमको संपर्क करके भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। कैसे आम जन अपने जीवन में जो भ्रष्टाचार से मुकाबला करना पड़ता है, उसकी किस तरह से शिकायत करें हमारे पास,